तो जैसे मैंने आपको बताया मेन्यूज़ के बारे में, अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं है कि आप मेन्यूज़ को एडिट कैसे कर सकते हैं, बट दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी टीचिंग यू राइट नाउ। और नए मेन्यूज़ को ऐड करना वो भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ देखते हैं कि मेन्यूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वर मेन्यूज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो जब इंटरनेट बना आज से काफ़ी साल पहले, तब वेबसाइट्स होती थी और बड़ी सिंपल सिंपल सी वेबसाइट्स होती थी। उन सिंपल सिंपल वेबसाइट्स पे नेविगेशन का कोई इजी तरीका नहीं था, एंड दैट्स हाउ मेन्यूज वर बॉर्न। सो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपकी एक किताब होती है, आप किताब को जब पहले खोलते हैं तो उसमें एक टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स होता है जो आपको बताता है कि इस किताब में कौन कौन सा कॉन्टेंट कहाँ पड़ा हुआ है और किस किस पेज पर पड़ा हुआ है। इसी तरह वेबसाइट basically comprises of a lot of pages. A website basically comprises of a lot of web pages. A website also comprises of a lot of posts. अब जैसे जैसे content management system आए, and as I have already told you कि WordPress powers 30% of the entire internet, जैसे जैसे the whole concept of content management systems started to grow. सो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम चूँकि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और कॉम्प्रिहेंसिव हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए एक तरीका चाहिए था जिससे वो सारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर लें। दैट्स हाउ एचटीएमएल मेन्यूज फ्रॉम ओल्ड स्कूल वेबसाइट्स वर कन्वर्टेड इनटू ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यूज, द सॉर्ट ऑफ मेन्यूज दैट यू हैव ऑन वर्डप्रेस। तो क्या हैं आखिर मेन्यूज? मेन्यूज आर सिंपल लिंक्स ऑन द टॉप, जो आपकी वेबसाइट पे सबसे पहली चीज़ है जो आप देखेंगे। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया कि प्रो पाकिस्तानी, टेक जूस, मैंगो बाज, इस तरह की तमाम और बेतहाशा वेबसाइट्स, बेशक लोकल या इंटरनेशनल, ऑल ऑफ देम हैव सम सॉर्ट ऑफ लिंक्स ऑन द टॉप। दीज लिंक्स कुड बी पेजेस, दीज लिंक्स कुड बी कैटेगरीज, दीज लिंक्स कुड बी पोस्ट, और दीज लिंक्स कुड बी कस्टम पोस्ट, और इनको हम कहते हैं मेन्यूज। आपकी जो करंट लिस्ट ऑफ मेन्यूज है वो आपको अपने डैशबोर्ड में राइट हैंड साइड पे जो मेन्यूज का सेक्शन है वहां पे नजर आएगी। सो जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, वहां पे अपीयरेंस के नीचे आपको मेन्यूज का सेक्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे यू विल स्टार्ट सीइंग स्मॉल हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स, और ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स आर योर मेन्यू लिंक्स। एंड इधर से ही आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, बट होल्ड ऑन, वी विल टीच यू, वी विल गाइड यू ऑन हाउ टू डू दैट। इफ देयर आर मल्टीपल मेन्यूज ऑन योर वेबसाइट, दे विल बी अ ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन टॉप ऑफ दिस मेन्यू पेज, और आप अपनी मर्जी से उस मेन्यू को जिसको आप एडिट करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मेन्यूज़ का पेज है विद इन द वर्डप्रेस डैशबोर्ड जिसका लिंक अपीयरेंस के नीचे है, इट माइट हैव मल्टीपल मेन्यूज़। वो मेन्यू हो सकता है आपके साइड बार पे नज़र आ रहा हो सकता है आपके हेडर पे नज़र आ रहा हो सकता है आपके फुटर पे नज़र आ रहा हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। और यही क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते भी होते हैं कि क्या मेन्यूज़ की कोई लिमिटेशन है? नो, द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दैट इज़ कि मेन्यूज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है। सो मेन्यूज़ आर लिमिटलेस, बट आपने डिफाइन करना है कि कितने मेन्यूज़ आप अपनी साइट में डालना चाह रहे हैं। सो एडिट करने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल सिंपली सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर मेन्यू, और आप उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उस मेन्यू को सिलेक्ट करके यू विल क्लिक ऑन एडिट। जैसे ही आप एडिट का बटन दबाएंगे तो आपके पास उस मेन्यू से रिलेटेड जो जो लिंक्स हैं, अगेन ब्लॉक्स में, छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स में, वो आपको नज़र आएंगे, एज यू कैन सी हियर एज वेल। सो ये जो आइटम्स हैं राइट हैंड साइड पे, ये
are the items which are actually what's showing live on your website right now. तो ये आपकी वेबसाइट पे सामने जो है नज़र आ रहे हैं. तो वहाँ पे आपके पास एक एरो का बटन भी है. एरो का बटन क्लिक करने से आप उस पर्टिकुलर लिंक की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं. ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? What are these properties which are affiliated with menu links? ये different तरह की properties हो सकती हैं. So just to give you a few ideas, a few option, इसमें एक option होगी किसकी? URL की. What is a URL? URL is that link जिधर आप चाहते हैं कि आपका menu link lead करे. So जिस तरह मैंने आपको पहले example दिखाई कि different menus बने हुए थे और उस different menus के ऊपर आप click करते थे तो वो डिफरेंट जगह रीडायरेक्ट होता था. सो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ अ मेन्यू इज द यूआरएल, वो लिंक जहां वो जाएगा. नेविगेशन लेबल इज के जब वो मेन्यू सामने नजर आए तो उसका लेबल क्या हो, उसका नाम क्या हो. और ये जरूरी नहीं है कि जो पेज का नाम हो वही आपके मेन्यू लिंक का भी नाम हो. आप नाम चेंज कर सकते हैं यूजिंग द नेविगेशन लेबल फीचर. टाइटल एट्रीब्यूट, सो ये टूल टिप होती है जो अगर आप माउस ओवर करते हैं तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे नज़र आता है. यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन भी होती है, यू कैन ओपन लिंक इन अ न्यू टैब. अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो ये लिंक क्लिक करने पे इट विल ओपन अप इन न्यू टैब. और साथ ही साथ CSS क्लासेस. सो फॉर दोज ऑफ यू हु हैव जिनको थोड़ा सा आइडिया है CSS का, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का, वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास को असाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से. और डिस्क्रिप्शन अगर आप उस लिंक की देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं. ये थीम पे डिपेंड करेगा कि वेदर दैट थीम अलाउज यू टू चेंज डिस्क्रिप्शन और शो इट इन अ पर्टिकुलर वे. सो मेन्यूज़ को आप मूव अराउंड कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल. एवरीथिंग इन वर्डप्रेस इज ड्रैग एंड ड्रॉप. आप पकड़ के क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपके पास एक नया आइकन नज़र आएगा आपको, जिससे आपको पता लग जाएगा कि नाउ आई हेल्ड दिस पर्टिकुलर लिंक, और आप उसको मूव अराउंड कर सकते हैं. सो इट्स ऑल ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है, आप जाते हैं मेन्यू लिंक पे क्लिक करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, उसको मूव अराउंड करते हैं, देन यू ड्रॉप. एवरीथिंग इन वर्डप्रेस रिलेटेड टू मेन्यूज इज ड्रैग एंड ड्रॉप. हमने मेन्यूज़ की बात की, हमने मेन्यूज़ को एडिट करने की बात की. सो लेट्स गो ऑन अ फेमस वेबसाइट mangobars.com एंड उधर जाके हम देखते हैं कि उनके मेन्यूज कैसे बिहेव करते हैं. सो वन ऑफ द सरप्राइजिंग थिंग्स दैट यू विल सी इज दैट यू विल नॉट सी अ मेन्यू, एंड दिस इज परफेक्टली नॉर्मल. जरूरी नहीं कि आपको हर वेबसाइट में मेन्यूज नजर आए, या अगर मेन्यूज होंगे तो वो हिडन होंगे. इस केस में इन्होंने मेन्यूज हिडन किए हुए बिहाइंड दिस आइकॉन जिसको मैं क्लिक करूंगा, एंड सडनली आपको एक पूरा मेन्यू का जो एरिया है वो अब नज़र आ रहा है, जिसमें इट्स अबाउट कंपनी, कैटेगरीज और ये सारी चीज़ें. सो अब मैं ये करता हूँ, जब आपको एग्जांपल मिल गई कि मेन्यूज किस तरह के होंगे, लेट्स गो टू आवर वेबसाइट विच इज़ digiskillsadhamid.000webhostapp.com. एंड उस वेबसाइट पे जाके जब आप मेन्यू सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ से आप मेन्यूज़ को एडिट कर सकते हैं. सो मैं नए मेन्यूज ऐड नहीं करूँगा, आई विल जस्ट एडिट अ पर्टिकुलर मेन्यू. मैं मेरी वेबसाइट के टॉप मेन्यू को एडिट करना चाह रहा हूँ, तो आई क्लिक ऑन टॉप मेन्यू एंड आई क्लिक ऑन सिलेक्ट. और आप देख सकते हैं कि कुछ प्लगइन्स भी हो सकता है कुछ मेन्यूज़ ऐड करें. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एक मेन्यू ऐड हुआ हुआ है, और इस मेन्यू को मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ. सो ये आपको यहाँ पे रेड में मेन्यू इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये मेन्यू पहले ऐड हुआ हुआ था, बट द पेज फॉर दिस मेन्यू वॉज एक्चुअली डिलीटेड. तो इसको हम यहाँ से सिंपली रिमूव भी कर देंगे. बट मोर देन दैट इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि इस मेन्यू में और क्या क्या फीचर्स हैं. स्क्रीन ऑप्शंस को मत भूलिएगा. स्क्रीन ऑप्शंस आर वेरी क्रिटिकल इन द मेन्यू एरिया, क्योंकि स्क्रीन ऑप्शंस आपको वो फीचर्स देंगे जो कि वैसे आपके पास अवेलेबल नहीं है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, लिंक रिलेशनशिप है, CSS क्लासेस है, टाइटल एट्रीब्यूट और लिंक टारगेट. आई विल ट्राई टू एनेबल ऑल ऑफ देम. सो देखिए मैं सारे एनेबल कर दूंगा, एंड नाउ आई हैव ऑल दीज ऑप्शंस हियर इन द मेन्यू. सो मैं कोई मेन्यू चेंज नहीं करूंगा, बट आपको दिखाने के लिए आई माइट चेंज अराउंड लिटिल बिट.
सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस मेन्यू को सेव करते हैं. सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन सेव. एंड व्हेन आई ओपन दिस ऑन अ न्यू वेबसाइट एक नए टैब में, तो आप देख सकते हैं मुझे मेन्यू नजर आ रहे हैं होम, अबाउट, डीजी स्किल्स एंड कॉन्टैक्ट. इफ आई वॉन्ट टू चेंज दिस आई विल गो बैक एंड मैं इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म को जो मुझे नजर आ रहा है ड्रैग करूंगा और मैं इसको होम के ऊपर ले जाऊंगा. सो एवरीथिंग इन द मेन्यू इज ड्रैग एंड ड्रॉप. मैं इसको सेव करूंगा और जैसे ही सेव करूंगा तो आप लाइव देखेंगे सामने कि ये मेन्यू की लोकेशन चेंज हो जाएगी. देखें, कॉन्टैक्ट शुरू में आ गया है, होम आ गया, अबाउट डीजी स्किल्स आ गया. सो दैट्स हाउ यू कैन चेंज मेन्यूज. इसके अलावा अगर आप मेन्यू में किसी भी तरह की कोई और एडिटिंग करना चाह रहे हैं, कोई टाइटल एट्रीब्यूट देना चाह रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे लिखा आ रहा है होम, और अगर मैं होम का नेविगेशन लेबल चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ. एंड आई कैन कॉल इट साद्स वेबसाइट. इसको मैं सेव करूँगा और अब जब मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा तो आई विल सी कि इसका नेविगेशन लेबल चेंज हो गया. सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे फॉर यू टू एडिट मेन्यूज एंड यू नो नेविगेशन मेन्यूज को एडिट करने के लिए दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट. और हम आपको आगे बताएंगे कि आप कैसे मेन्यूज को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग विद डिजी स्किल्स.